मांडर विधायक बंधु तिर्की आज अपने क्षेत्र बेड़ो पहुँचे और बेड़ो परिसर में एक आम औपचारिक मुलाकात का कार्यक्रम रखा, जिसमें बेड़ो की सभी पदाधिकारी कर्मचारी के साथ साथ बेड़ोवासी उपस्थित रहे। इस औपचारिक मुलाकात में उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना और उसके समाधान के उपाय बताए। साथ ही अधिकारियों को बताया कि इनकी जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान हो और बिचौलिए जो होते हैं उनको ख़त्म किया जाए। भ्रष्टाचार कम करना है और अच्छे और सुशासन लाना है, यही हमारी नियति होगी। साथ ही अधिकारियों से समस्याओं को जाना और उन पे कैसे अमल कर इस पे मंथन किया और गरीबों असहायों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले इस पे भी उन्होंने बातें कही। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें गरीबों को योजनाओं का लाभ सर एक बाइट सर उनके द्वारा जो भी समस्या हो उसको जल्द से जल्द समाधान, ब्लॉक से जो भी योजनाएं आती हैं उनके घर तक कैसे पहुंचे, इन सबों के सहिया बहनों दीदियों सभी को बताया। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र का जो काम हुआ है वो भी मैं जानता हूं और जो नहीं हुआ है वो भी जानता हूं। अब आगे इसका कैसे विकास हो इस पे हम सब अपनी अपनी राय विचार करेंगे। कि हर चीज़ के हमारे के चलाए के लिए सुविधा होना चाहिए। देखने कृषि की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं बुझाएगा हमको। इतना किसान के हर लाइन में सुविधा होना चाहिए। दुनिया ने सबसे भरी किसान के कहा है पानी जमीन और कैसे करीब सारा चीज को एक साथ चलाए के लिए शक्ति और बल पैसा देती। इतना फंड है सरकार के तो हर चीज के फंड देना चाहिए। विधायक ने एक बच्ची जिसको ने हाथी ने घायल कर दिया था उसको अपने तरफ से 5,000 रुपये की नकद रकम दी और साथ ही वहाँ के राशन डीलर से कहा कि 50 किलो चावल इनको यथाशीघ्र दिया जाए। भिखारी को बोलकर 50 किलो चावल दिलवा जाओ, समझे ना? हाँ। कैसे मदद की? 5,000 पैसा नई तरह से नई पारी शुरू करना है और इसमें सभी हमारे प्रखंड के अंचल के थाना के जितने पदाधिकारी कर्मचारी हम लोगों को एक परिवार की तरह है, हम लोग मिलजुल करके इसको काम करेंगे और कोशिश करेंगे सब लोग किसी भी तरह से किसी को कोई आहत ना हो। तो हम लोग एक दूसरे को सम्मान करेंगे, मिल करके हम लोग सब काम करेंगे। एक नया वातावरण नया कार्य शैली हम लोग शुरू करना चाहते हैं प्रखंड में, सिस्टम ठीक ठाक हो। तो जो कर रहे हैं पदाधिकारी चाहे BDO हो CO हो उसके अधीन में जो काम करने वाला अधीनस्थ कर्मचारी हैं तो उनके साथ उनको भी सम्मान हो, वे लोग भी को जिम्मेवारी को समझे। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को भी चीज़ों को समझना है और एक मिल करके सही तरीके से हम लोग काम करेंगे तो हमको लगता है कि प्रखंड में कुछ नया सवेरा दिखाई देगा, ऐसा उम्मीद के साथ हम लोग 2020 का हम लोग शुरुआत करें। सभा कक्ष में विधायक ने समस्याओं को सुना, उसके समाधान के उपाय बताए और जो बातें सामने आई उससे जब सभा कक्ष से निकले लोगों से हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि अगर जो बातें अंदर बताई गई है वो सारे पूरे होते हैं तो ये हमारे प्रखंड के लिए बेहतर होगा। गया है अगर उस बात को यहाँ का अफसर समझे, यहाँ का कर्मचारी समझे तो ठीक बात है। लेकिन विधायक ही तो बहुत कड़ा रुख अपना रहे थे। जी जी, विधायक ऐसा है कि ये कंट्रोल करने वाला ही, अगर इस पर अमल नहीं करेगा तो अपने आप कर्मचारी या BDO या CO ऑब्जेक्शन अगर होगा तो हम लोग लगाएंगे, जो अच्छा होगा अच्छा बोलेंगे, खराब होगा खराब बोलेंगे। कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम दोषी है। सिस्टम देखिए, कहीं ना कहीं सर हमारा सिस्टम दोषी है। दोषी तो है और उसी को लगाम लगाने के लिए हमारे विधायक माननीय बंधु तिर्की जी हैं और हमको उम्मीद है कि बंधु तिर्की जी का विधायक बनने के बाद सुधार होगा। जो 5 साल का कार्यकाल में 4 साल तो हम लोग बिता दिए, अब 1 साल मात्र बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं पदाधिकारी के द्वारा भी कुछ काम को हम लोग तक बिना जानकारी धरातल पे पंचायत में आ जाता है तो हम लोग भी नाराज थे। लेकिन आज का बैठक से हम लोग को लगा कि आगे हम लोग का भी
वहाँ जानकारी हो, पंचायत में जो भी जिला से कुछ भी काम हो या तो पंचायत लेवल का जो भी काम हो वो सबको नॉलेज में रखा के बारे में जड़ तक जाना होगा तब सुधार होगा। भ्रष्टाचार तो पूरे राज्य से लेकर केंद्र तक है और भ्रष्टाचार को हम लोग प्रयास माननीय विधायक अभी जो आए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। गौरतलब है कि इस तरह के जब मीटिंग होती है तो लोगों में एक उमंग और उत्साह जागता है कि भ्रष्टाचार जैसे शब्दों को निचोड़ फेंके। देखने वाली बात होगी कि आगे 5 साल में किस तरह का कार्य होता है और लोगों को जो उम्मीद इस नए विधायक से है वो कितना पूरा होता है, यह तो आने वाला समय ही बताए।